नमस्कार, मैं प्रेम कुमार विद्यार्थी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पहुंचे हैं मुंगेर के संग्रामपुर पे और यहां पे अभी बैठक चल रही है। यहां पे मुंगेर संग्रामपुर के आसपास के जिले से जो लोग हैं, दांगी समाज के बुद्धिजीवी और समाजसेवी राजनीतिज्ञ चिंतक लोग यहां पे उपस्थित हैं, तो हम अभी कुछ लोगों से इसके बारे में जानकारी भी देंगे कि आज बैठक में क्या हुई, क्या आगे निर्णय लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ पे संग्रामपुर दांगी गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं प्रमोद कुमार मंडल जी पे। हम सबसे पहले चाहेंगे कि आज बैठक जो रखी गई थी उसका आयोजन के बारे में थोड़ा सा बताएं और क्या क्या निर्णय ली गई। तो सबसे पहले दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है ना, तो उनके द्वारा आग्रह पर जो ये बैठक बुलाई गई है और इसमें जो मुख्य बिंदु छुआ गया है वो शिक्षा का है। और चूंकि शिक्षा के बारे में एक विद्वान ने लिखा है, द ट्रबल ऑफ द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर ड्यू टू द फैक्ट दैट एजुकेशन हैज मियरली इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बट नॉट द एक्विजिशन ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, बट प्रॉपर एजुकेशन मस्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द नेचर ऑफ द पीपल, मेक्स हिम न्यू बीइंग एंड गिव्स न्यू डायरेक्शंस टू हिज माइंड। कि भारत सहित विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा आज केवल मानसिक स्तर पर सीमित रह गई है, उसमें अधिकता आध्यात्मिकता और नैतिकता का समावेश नहीं होता है। वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य की प्रकृति को बदल दे और नई दिशाओं से चालित और प्रचारित करे। और महात्मा गांधी ने लिखा है कि एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन, यह मनुष्य मतलब कि जो है मनुष्य का त्रिलोचन है और वह तीसरी आंख से मतलब कि जो जो भी चीज नहीं देखने की चीज होती है वो भी वो त्रिनेत्र से देख लेता है। ये शिक्षा का ही गुण है। और शिक्षा के बारे में किया कहा गया है कि एजुकेशन इज द लास्ट होप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये जो शिक्षा है तो उसमें ये कहा गया है कि विद्या ददाति विनियम, विद्या ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनाप्नोति, धनाधर्म तथा सुखम। तो इसलिए ये विद्या विनय को देती है और ये जो समाज में अभी है ये विनय की ही कमी हो गई है। खास करके जो नई पीढ़ी आई है तो उसमें ये विनय चीज को देखने का मतलब नहीं मिलता है, बहुत कम है। और सबसे चीज है कि अनुशासन जो है वह खत्म होता जा रहा है। और हमारा जो ये दांगी जाति की जो सभ्यता और संस्कृति है तो वह भी धीरे धीरे नई पीढ़ी में लुप्त होते जा रहा है। उसको भी इस शिक्षा के माध्यम से उसको हम जगाने का काम करेंगे। और जब कहता है कि आदमी शिक्षित हो जाता है, यही नारा विवेकानंद ने दिया, यही नारा जो है आपको अम्बेडकर ने दिया, है ना, जागो उठो और शिक्षित हो और तब तक मत रुको जब तक की मंजिल नहीं आ जाती है। तो इसलिए ये अगर मंजिल को प्राप्त करना है तो उसका अपना उद्देश्य होता है, उसका अपना संकल्प होता है, उसकी अपनी दृढ़ शक्ति होती है। और ये दृढ़ शक्ति और दृढ़ इच्छा ही जो है उसको मंजिल तक पहुंचाता है। और आज तक विश्व में जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सुख की अपेक्षा दुख ने उन्हें अधिक महान बनाया है। ये मतलब कि हमारा इतिहास बताता है कि जितने भी ये महान आदमी हुए वो दुख की गाड़ी पर ही चढ़ करके वो जो है महान हुए हैं। और इसलिए दुख से घबराना नहीं है, विपत्ति से घबराना नहीं है, विपत्ति का सामना करना है। और विपत्ति का सामना करने के बाद ही आदमी मंजिल को प्राप्त करता है। और मैं ये उदाहरण दूं, जब मैं भूख हड़ताल पर बैठा था संग्रामपुर प्रखंड के परिसर में, तो एक आदमी ने कहा कि प्रमुख साहब इस तरह भूख हड़ताल पर बैठे हैं जैसे लगता है इनका माँ बाप मर गया, उतर मन के बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि उस आदमी को कोई जवाब नहीं देना है और जिस दिन ये मतलब कि दांगी का सर्टिफिकेट बन जाएगा उसको एक फोटो स्टेट पहुंचा देना है। और उसी दिन मतलब कि एक विवेकानंद का जो छपी थी अखबार में, चार लाइन ऊपर में था, वो संयोग से पेपर हमको है मतलब कि लुप्त हो गया कहीं पर। तो विवेकानंद ने लिखा कि जब मनुष्य किसी काम को ठानता है करने के लिए तो पहले जो विरोधी होता है उसका सैद्धांतिक रूप से विरोध करता है,
और जब कार्य करने लगता है तो उसको बाधा पहुंचाता है कि ये इस काम को नहीं कर सके, और जब वह सफल हो जाता है अंत में उसको समाज मान्यता दे देती है। तो इसी तरह किसी भी कर्म को करने के लिए उसको कष्ट उठाना पड़ता है। आपको विवेकानंद का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, तो वो काफी संपन्न परिवार के थे, लेकिन आपसी केस के कारण जो है आर्थिक विपन्नता आ गई, उन्हें भूखे रहना पड़ता था और माँ को झूठ बोलते थे कि मैं खा के आया हूँ, और धीरे धीरे जो परिवार का जो पूर्व का कपड़ा था धीरे धीरे फट गया, जूता फट गया, मतलब खाली पैर चलने लगे, और जब वो परमहंस के शिष्य बने तो महीनों महीनों मतलब सूखी रोटी लेकर के चलते थे गमछा में बांध कर करके, और जंगल में कहीं झील मिलता था तो गमछी में बांध करके उसको जो है डुबाते थे और मतलब उसको खाते थे। इस तरह मतलब कि विवेकानंद जो है ये इतनी तकलीफें सह करके जो है आज विश्व धर्म संसद में वह सबसे बड़ा आदमी बन करके जो शिकागो में उभरा, और जब वहां से वो आए तो फिर उनको कष्ट देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा अब कौन सा कष्ट देना चाहते हो, जब मैं शिकागो में था मुझे ये पता नहीं था कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं क्या पहनूंगा, जो शरीर -39 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त कर लिया उसे अब तुम क्या कष्ट देना चाहते हो। तो इसलिए कष्ट से घबराना नहीं है, विपत्ति से घबराना नहीं है, उसका सामना करना है, और जब सामना कर कीजिएगा तो मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी। और इसी लक्ष्य में जो एजुकेशन को हमने माना है तो एजुकेशन को ही मेन फोकस करके करके जब समाज का, चूंकि इसी से आदमी नौकरी पाएगा, इसी से आदमी जो है ये बिजनेस की ओर जाएगा। और मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि यह विवेकानंद ने अपनी किताब में लिखा, जाति के विकास के इतिहास में उन्होंने लिखा कि जो ब्राह्मणी शक्ति है उसका सामना करने के लिए जो लाला जाति है उसको हुआ कि हम इसका सामना तभी कर सकते हैं जब मतलब कि एजुकेशन में हम आगे बढ़ेंगे, और वह लाला जाति एजुकेशन में आगे बढ़ गया, लेकिन पिछड़ कहाँ गया, तो पिछड़ गया कि वो पॉलिटिशियन नहीं हो पाया, एजुकेशन तो ले लिया लेकिन पॉलिटिशियन नहीं हो पाया, वहां पर बिछड़ गया। फिर मतलब कि ये जो वैश्य जाति का उदय हुआ उसका भी हुआ कि ब्राह्मणी शक्ति का सामना करने के लिए हमको धन अर्जित करना चाहिए, धन तो अर्जित कर लिया लेकिन शिक्षा में पिछड़ गया, पॉलिटिक्स में पिछड़ गया, अंत में उसको भी उसी का साथ रहना पड़ा। तो ये हो गया कि एजुकेशन पहले आपने, और एजुकेशन जब आएगा तो ऑटोमेटिक वो पॉलिटिक्स की ओर चला जाता है, क्योंकि बुद्धिजीवी जब आता है तो वो सरकार के कार्यकलाप को देखता है और उससे वो समझता है कि ये ठीक हो रहा है ये गलत हो रहा है, और जब ठीक और गलत का जिसके अंदर भाव बह जाएगा उसकी कलम चल पड़ेगी, और जब कलम चलती है तो वह भूचाल लाता है, परिवर्तन लाता है, और फिर वह मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। जय हिंद जय दान। तो अभी आप सुन रहे थे प्रमोद सर का, जिन जो दांगी गांधी के रूप में प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, और यही संग्रामपुर की धरती जो EVC का एक उदाहरण बना। तो आइए हम उनके बगल में बैठे एक शिक्षा प्रेमी हैं, नाम का, और एक चीज और थोड़ा सा छूट गया है। और मैं एक मतलब एक गांधी श्रद्धांजलि की किताब लिख चुका हूँ और उसको छपने के लिए जाएगा, और जब मैं भूख हड़ताल पर था तीन मैंने संकल्प लिया था, पहला था दांगी का सर्टिफिकेट, दांगी जाति का प्रमाण पत्र बनवाऊंगा, दूसरा था कि नक्शा वन कराऊंगा, दो चीज पूरा हो गया, तीसरा था कि देश स्वतंत्र हो गया और तंत्र वही रह गया है, ये आचार्य विनोबा भावे ने कहा था इस तंत्र को बदलने की जरूरत है, और 1935 में कानून बना इंडियन गवर्नमेंट रूल, वह कानून था कि भारत को 1000 साल तक गुलाम रखना है, और वह सारा कानून जो है ये पावर मतलब क्या है ये पावर ऑफ ट्रांसफर के अंतर्गत वो सारा चीज जो है हमारे संविधान में दर्ज है, जिसको आप देख रहे हैं कि कुछ होता है तो इस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा करो, क्योंकि वह भारत पर सत्ता करने के लिए कानून बनाया था, वह सारा कानून आज संविधान में लागू है, और चूंकि उसको भी सत्ता, जो भारत के प्रधानमंत्री बने चूंकि उनको भी सत्ता चमाना था, उसी कानून को उनको जरूरत था मतलब किसी उसी कानून को रखा, उस कानून में परिवर्तन नहीं किया, ये परेशानी का कारण है। इसीलिए उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्र हो गया तंत्र वही रह गया, इस तंत्र को बदलने की जरूरत है, इसीलिए आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में कि देश
मतलब कि स्वतंत्र हो गया, तंत्र वही रह गया, इस तंत्र को बदलने के लिए मेरी उस किताब के साथ, जब किताब छप जाएगी उस किताब के साथ पदयात्रा संग्रामपुर के मतलब गांधी स्थल से लेकर करके जो राजघाट दिल्ली तक पदयात्रा होगा, ये मैंने उस समय संकल्प लिया था और यह संकल्प मेरा आज भी जारी है, ताकि देश में एक नई जागृति पैदा हो सके, एक नया देश, एक नया भारत बन सके, जिसमें सभी लोगों का मतलब सर्वोदय हो, सबों का विकास हो और एक नवीन भारत की रचना हो। जय हिंद, जय गांधी। वाकई आपने जो निर्णय लिया है उसका हम वेलकम करते हैं। दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन परिवार भी आपके निर्णय पे खरा उतरेगी, हम उम्मीद करते हैं। तो हम अभी चलेंगे सतीश सर के पास, उसके बाद फिर आते हैं। सतीश जी, आप बताएं कि अभी जो क्लासेज के लिए निर्णय लिए गए हैं, कितने सूत्री कमेटी बनी है और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं प्रस्ताव में? खासकर दांगी समाज के नौनिहाल बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए यहाँ पर आज जो बैठक में एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसका एक संयोजन कमेटी बनाया जाए। उस संयोजन कमेटी में कुल 15 लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का नाम आया है, जिसमें प्रमोद कुमार सिंह, सतीश दांगी, प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, गोविंद प्रसाद सिंह, श्याम सुंदर प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, बाल मुकुंद सिंह, रणवीर कुमार सिंह, नवल किशोर सिंह, वरुण कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, चंद्रशेखर सिंह और पंकज दांगी। ये सारे 15 जो कमेटी के सदस्य हैं, ये मुख्यतः 3 जिला से संबंधित हैं, जमुई, बांका और मुंगेर। इन लोगों का काम है कि अपने आसपास के जितने भी प्रबुद्ध शिक्षक हैं उनका नाम ये लोग देंगे और इसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई है, जो कि अगला रविवार यानी 28/2/2021 को एक बैठक होगी और उसमें हर एक सब्जेक्ट वाइज के शिक्षक जो हैं उनका एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वो शिक्षक यहाँ के नौनिहाल बच्चों को शैक्षणिक रूप से तैयार करेंगे, पढ़ने पढ़ाने के काम में आएंगे ये लोग और उनका शैक्षणिक विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय सर? सतीश प्रसाद सिंह, मैं प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय श्रीपुर मुंगेर में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इसके क्लासेज के बारे में और आज की बैठक के बारे में? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सुभि नराणाम ज्ञानाम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। शास्त्र कहता है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपके और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में दांगी समाज अधिकतर जागरूक हों, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ पढ़ाई तो करते हैं हमारे समाज के लोग, लेकिन चूंकि उच्च शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर पाते, चाहे यह उनकी आर्थिक मजबूरी रही हो, सामाजिक रही हो, चाहे जो भी कुछ मजबूरी हो, तो उच्च शिक्षा के लिए वो दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, ताकि वो इस मामले में, शिक्षा के मामले में आगे बढ़े और इसमें विलम्ब ना हो, क्योंकि हमारा देश तो ऋषि और कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग तो कृषि से भी हैं लेकिन थोड़ा ऋषि से भी जुड़े। उनका भी उपदेश होता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, तो काल जो करे सो आज कर, तो आज में भी पूरे दिन का भरोसा हमारे संत कबीर साहब को नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया 12 घंटे से काम चलने वाला नहीं है, अभी ही करो। इसलिए ये काम शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो भी काम हो वो जल्द से जल्द हो और इसमें अधीर भी नहीं होना है, क्योंकि यह भी कहा गया है कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, असमय पाए तर वर फले केतक सिंचो नीर। मतलब धैर्य धारण करते हुए इस मामले पर आगे हम लोग बढ़ते रहे, ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से समुचित रूप से हमारे नवयुवकों में हो,
ताकि हर एक पद, चाहे वो पद शैक्षणिक का हो, राजनीतिक का हो या फिर वाणिज्यिक हो, किसी भी मामले में वो पीछे ना रहें, ऐसी शिक्षा चाहिए। और इस शिक्षा के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ परिचय सर। जी, मैं रणवीर कुमार सिंह, ग्राम जमघाट, पोस्ट दरियापुर, थाना हवेली खड़गपुर, जिला मुंगेर। धन्यवाद। चलिए अब हम थोड़ा सी राजनीति पे भी चर्चा करेंगे, क्यों यहाँ राजनीति के अभी ये है थोड़ा सा, दो मिनट आपका ही ले लेते हैं। शैलेंद्र जी हैं, बताइए कि यहाँ पे आप चूंकि युवा हैं और युवाओं को राजनीति में यहाँ पे आते दिख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बिहार की राजनीति की पृष्ठभूमि कुछ बताएंगे। देखिए, हमारे बिहार में शिक्षा के साथ साथ राजनीति होना बहुत जरूरी है। जहाँ तक हमारे समाज की बात है, हम लोग राजनीतिक रूप से बहुत अभी भी पीछे हैं, और जब तक कि हमारे समाज में पॉलिटिकल चेतना नहीं आएगी तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। शिक्षा का जो स्तर है, बेस है, अगर वो मजबूत होता है और उसके साथ साथ राजनीति का स्तर भी मजबूत होती है तो निश्चित रूप से ये समाज आगे बढ़ेगा। जहाँ तक पूरे बिहार की बात है, हम लोगों को जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, हमारी शिक्षा प्रेमी है, इसमें आगे आना पड़ेगा। अभी भी हमारे समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं, नीचे स्तर के जो लोग हैं, नीचे स्तर नहीं कहा जाए, मतलब कि सामाजिक पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उसमें अभी राजनीतिक चेतना की बहुत कमी है। और इस कमी के कारण ग्राम पंचायत से लेकर के विधानसभा लोकसभा तक हमारे आदमी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं इस संस्था को, यह भी संस्था से आग्रह करना चाहता हूं, इस पर भी व्यापक रूप से काम करने की जरूरत है, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। जय हिंद, जय धर्म। आपका कुछ परिचय राजनीतिक? मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, ग्राम जमुआ, पोस्ट सौताडी, थाना बेलहर, जिला बांका। फिलहाल मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जिला अध्यक्ष बांका हूं, और इस बार का विधानसभा चुनाव बेलहर विधानसभा 163 से लड़ा, 4776 वोट मुझे प्राप्त हुई, जो कि अगर कहा जाए हमारे बेलहर विधानसभा में अपने समाज का जितनी आबादी है, अगर वो भी वोट आती तो बहुत वोट होती। लेकिन फिर भी शुरुआत हुई है तो अच्छी बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे समाज आज भी राजनीतिक रूप से आगे अगर आ गया तो इसको पीछे करने में कोई भी समाज इसको पीछे नहीं कर सकती है। ओके, धन्यवाद शैलेंद्र जी। हम आते हैं नवल सर के पास, इनके पास कुछ गोविंद सर जी। गोविंद सर, आप बता रहे थे कि आप अपनी आप काफी कम समय, एक छोटे उम्र में, जब थे आपके पिताजी शायद देहांत कर गए थे, उस समय से आप होल संभाले और अपने चार भाइयों को पढ़ाए और पढ़ा के एक कामयाबी के शिखर पर पहुंचाए हैं, जो एसपी हैं अभी छत्तीसगढ़ में, और एक भाई आपके कोचिंग दिल्ली में चला रहे हैं, तो उनका बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे और आपकी भी कुछ हम ये जानना चाहेंगे कितने तक पढ़े और कैसे पढ़ाया। अच्छा, 1984 में फादर एक्सपायर करने के बाद हमारे चार भाई छोटे थे और उस समय सब काफी कम उम्र के थे। जो बिहारी जी जो दिल्ली में अभी कोचिंग चलाते हैं, पानिनी क्लासेस, पूरा नाम बताइएगा? कैलाश बिहारी। कैलाश बिहारी जी, हाँ, पानिनी क्लासेस के डायरेक्टर, क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और वो टीचर भी, वो संस्कृत के टीचर हाई स्कूल में है दिल्ली में, ये दिल्ली सरकार है। अच्छा अच्छा। वो उस समय मात्र क्लास 7 में पढ़ते थे जी, और उससे जो छोटे भाई थे वो क्लास 4 में पढ़ते थे जी। वो अमर कुमार हैं और वो अभी एडवोकेट हैं जी। और उससे जो छोटे हैं चौथे नंबर के जी, उस समय वो क्लास 2 में पढ़ते थे, और काफी मेहनत करने के बाद मैंने जो है वो अभी एसपी हैं जी, और छत्तीसगढ़ के डर में है, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम है उनका? सदानंद कुमार। सदानंद, हाँ, 2010 बैच के आईपीएस हैं। अच्छा। और वो भी कोचिंग में दिल्ली में वहाँ पे पढ़ाते थे और शिक्षा लोग भी देते थे और अपने भी देते थे।
आईएस तक यहाँ से कैसे निकले? मुंगेर काफी नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है, ये काफी दुर्गम है और काफी शहर से काफी दूर है, मतलब पटना से आते आते लोगों की जो है आधी बेला चली जाती है, सुबह चले तो हम लोग दोपहर एक बजे पहुंचे। तो यहाँ से कैसे एसपी का सपना उन्होंने कैसे पूरा किया और आपने उसमें कैसे मदद की? वो जो है जिस समय वो मैट्रिक पास किए, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से स्कूल टॉपर रहे वो, और इसके बाद जो है उसको मैं सुल्तानगंज भेजा। सुल्तानगंज में वो पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, 10 साल तक लगातार सुल्तानगंज में रहे। मुरारका से जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री लिया और वहां से फिर जो है वहीं पे ट्यूशन पढ़ाता था, वहां से फिर जाकर के भागलपुर में जो है एमए में जाकर के नाम जब एडमिशन कराया तो वो जाकर के क्लास भी करते थे और ट्यूशन भी पढ़ाते थे। ट्यूशन में जो है वो काफी पैसा कमाया। मैं उसको इसके बाद मैट्रिक के बाद जो हल्का सा मदद किया, बाद बाकी वो लोग जो है अपने से कमा कमा करते थे, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करते और आगे बढ़ा। जब वहां दिल्ली गए बीएड करने के लिए, बीएड किए वहां दिल्ली सरकार में जो है 2.5 साल वो टीचर के पद पे नौकरी किए और बीपीएससी 2010 बैच के बीपीएससी टॉपर भी रहे बिहार में, 48 से बाद भी बैच था। इसके बाद जो है फिर वो टीचर के पद पे रहते हुए वो कोचिंग में पढ़ाते भी थे, टीचर का भी काम करते थे और अपना तैयारी भी करते थे। तो 2010 में ही उसकी जो है रिजल्ट निकला तो उसको आईपीएस मिला और छत्तीसगढ़ कैडर मिला, वो भी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में एसपी के पद पर। सबसे छोटे भाई जो है वो सबसे 3.5 साल के करीब थे, वो तो कुछ नहीं जानते थे फादर के बारे में, कैसे मिले क्या मिले जानते थे। हम लोग सब मिलकर के उसको भी पढ़ाए। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे कल आप दिल्ली चल जाएं, कलकत्ता चल जाएं, बंगाल चल जाएं या फिर गुजरात चल जाएं, तो वहां के बच्चे कहते हैं कि जो है बिहारी तेज होते हैं। आप थोड़ा सा ये बता रहे थे कि हम 7वां में पढ़ते थे और 6ठा हमारे भाई जो पढ़ रहे थे उनको बताते थे, और यही बिहार बिहारियों का और बिहारी छात्रों की कामयाबी का राज होता है, तो इस पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे। बिल्कुल, जैसे वो जो भी हमारे भाई रहे सबसे छोटा वाला छोड़ करके सब लोग कोचिंग करते थे और जाके क्लास भी करते थे, उससे जो कमाई होता था वो अपना जो है उसमें मेहनत करते थे। दिल्ली गए तो वहां भी मैंने जो है वो किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए गया। जब किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए गया तो वो उनके सर से बोले कि सर हमें भी एक मौका दीजिए कि कुछ हम बोलें या कुछ बताएं। जब इनका स्पीच जब सुना वो मणिकांत सर, वो हिस्ट्री के जो थे वहां पे वो क्लास जो चलाते थे तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए गए थे, उसी बीच बिहारी जी बोले कि सर हमको थोड़ा सा मौका बोलने का दिया जाए। जब वो बोलने लगा या पढ़ाने लगा तो समझ गए कि ये कहीं पे जो है कोचिंग में पढ़ाते थे, तो उसको उसने अपने कोचिंग में मौका दिया। धीरे 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 जो है ये फिर जो है कंपटीशन फेस किया तो वो सेंट्रल स्कूल में पहले मैंने जो है वो मैंने प्रतिनियुक्त हुए। वहाँ से वो सोच रहे थे कि मेरा पोस्टिंग दिल्ली ही हो जाए, लेकिन दिल्ली नहीं हो पाया, उसको आसाम भेज दिया, 4 साल का लिंक टूट गया। फिर वहां से जो है उसका ट्रांसफर जो हुआ सौभाग्यवश दिल्ली ही हुआ, जिसके बाद से वो एस्टेब्लिश करना शुरू किया अपना जो है कोचिंग अलग बने जो है चलाना शुरू किया, और कोचिंग चला चला करके जो है एच पी शाह भी उसमें पढ़ाते थे। इन्होंने जो है काफी मेहनत करके जो है वो लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपकी इस कामयाबी के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अब हम लोग चलेंगे डांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संयोजक हैं डांगी राजनीतिक मंच के रमेश प्रसाद डांगी जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज का मीटिंग कैसा रहा और क्या उद्देश्य है, थोड़ी सी पृष्ठभूमि। हमारे समझ से हमें संग्रामपुर में बुलाया गया और बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर हमें लगता है कि कोई कमी नहीं हुई, हम यहाँ आकर गलत नहीं हुए, बहुत अच्छा लगा। और हमारे समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग हमारे बात को सुने, हम सबको सुने, और यहाँ के लोग ने संकल्प लिया कि डांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए और शिक्षा के माध्यम से सब कुछ पाया जा सकता है, शिक्षा एक अनमोल रत्न धन है। तो हम इस चीज को
आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के माने संग्रामपुर के लोग के संग्रामपुर में जो बैठक कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इनका आभार प्रकट करते हुए जय हिंद जय भारत। तो धन्यवाद। हम कुछ ग्रामीण से भी लेना चाहेंगे कि यहाँ पे बैठक में है, क्योंकि बैठक का अंत में हम सार थोड़ा सा एक दो लोगों से कुछ ये में कैसा लगा बैठक, क्या ये लगी, यहाँ पे क्या उम्मीद है? उम्मीद तो सर ये लगा कि आज जो ये पहली बार मीटिंग हुआ ये शिक्षा पर, इससे हम बेहतर खुश हैं और ये सब तो आगे और होना था, लेकिन अभी भी शुरुआत अगर हो रहा है तो इस दांगी समाज का जो है आगे भविष्य जो है उज्ज्वल होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को नाम करते हैं, नाम और गांव और नाम को मेरा नाम सुनील कुमार दांगी, ग्राम नोनाजी, पंचायत प्लस नोनाजी, थाना टेटिया बम्बर, जिला मुंगेर का मैं रहने वाला हूँ। जय हिंद जय दांगी। आप बताइए सर कैसा लगा आज की बैठक, क्या यहाँ पे देखे आप आए तो क्या महसूस किए? मैंने हमें महसूस हो रहा है कि देर से सही लेकिन हम लोग उचित तरह पर आज फैसला हुआ और दांगी समाज का इससे प्रोन्नति होगा और जरूर शिक्षा प्रसार में हमको सहयोग मिलेगी इस मीटिंग से। धन्यवाद। ओके, खपड़ा जिला मुंगेर। ओके धन्यवाद। चलिए हम नए मीटिंग और नए कार्यक्रम में हम लोग फिर आगे मुखातिब करेंगे। अगली बैठक इन लोगों ने 28 तारीख को अगले संडे को रखी है और अगले संडे को सभी शिक्षकों का नाम भी बताया गया है और भी जो बुद्धिजीवी चाहते हैं कि हम इस दांगी वर्ल्ड क्लासेज में अपना योगदान दे, तो आप भी अपना बहुमूल्य समय देकर इन बच्चों को भविष्य के लिए आप एक नया इतिहास रच सकते हैं। हम तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।